इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग द लास्ट 6 months, 6 तक हो गया ना हमारा, ठीक है। अब ध्यान से देखना, इफ अ फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन ड्यूरिंग लास्ट 6 months, सर मतलब अरे पूरे साल चल रहा था 23-24, तो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर हमने कुछ भी विड्रॉ नहीं करा, हमने ड्रॉइंग स्टार्ट ही कब करी, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर ऑनवर्ड्स, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, तो इंटरेस्ट फिर उस हिसाब से कैलकुलेट होगा ना, फिर इंटरेस्ट उस हिसाब से कैलकुलेट होगा। तो अगर बिगनिंग है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में करा दूं, नहीं समझ आएगा तो बोलेंगे बिगनिंग, अब हमारा पीरियड क्या है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, इसमें तो कोई डाउट नहीं है, बिजनेस हमने पूरे साल करा है, लेकिन भाई साहब अगर मैंने बैंक से लोन ही 1 अक्टूबर को लिया है तो 6 महीने का ही तो इंटरेस्ट दूंगा, तो मंथ्स आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग क्या है, पूरे के पूरे 6 अगर बिगनिंग है और 1 मार्च के बाद 1, तो 6 7/2 क्या हो गया, 3.5 मंथ्स, तो ये 3.5 की डेरिवेशन समझ आ गई सबको। और अगर मिडिल ऑफ एवरी मंथ है तो क्या हो जाएगा, 5.5 प्लस हाफ डिवाइडेड बाय 2, तो 6/2 क्या हो गया, 3 मंथ्स, तो 3 मंथ्स की डेरिवेशन समझ आ गई, तो दूसरे केस में क्या हो जाएगा, एंड तो अक्टूबर काउंट ही नहीं होगा, कितने बचे 5, 31 मार्च, तो मार्च काउंट नहीं होगा, तो 5/2 क्या हो जाएगा, 2.5 मंथ्स, लेकिन बाकी सब तो सेम है, रेट फिक्स्ड है 10/100 तो 10/100, 15 तो 15/100, टाइम पीरियड 3.5/12, लेकिन सर हमने तो 6 महीने के लिए पैसे विड्रॉ करे, करे वो कंसिडर कर लिया ना, 3.5 मंथ्स है तो 3.5/12 ही रहेगा, और जो आप अमाउंट निकालेंगे तो जो भी अमाउंट है ×6 करेंगे, क्योंकि आपने 6 ही बार ड्रॉइंग्स करी है, बात समझ आई, बात समझ आई, टू किस लिए बेटा, टू किस लिए, 6 बार निकाले हैं, ड्यूरिंग द लास्ट 6 मंथ्स इफ द फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन इन द बिगनिंग ऑफ ईच मंथ, मेरा फोन तो पहले ही क्रैक्ड है, फिर ठीक है, बिगनिंग ऑफ ईच मंथ फॉर 6 मंथ्स, क्लियर, ध्यान से देखना, एग्जाम्पल क्रिएट करूं, नहीं समझ आ गया, किसी को डाउट, इफ द सेम अमाउंट इज विड्रॉन इन द फर्स्ट 6 मंथ्स, अब ध्यान से देखना, फर्स्ट 6 मंथ्स, बिजनेस पूरे साल फर्क होता है, बिजनेस पूरे साल किया आपने, अगर आपने ड्रॉइंग्स 1 अप्रैल को करी तो कितने महीने का इंटरेस्ट दोगे, पूरे 12 महीने का दोगे, 1 अप्रैल को आपने ड्रॉइंग्स कर ली, 1 मई को करी, तो एक और हाथ दूँ, हाँ भाई एक ही तो हुआ था, इधर से आ जाते हैं, इतना घूम के क्यों अगर 1 मई को ड्राइंग्स करी तो कितने महीने का इंटरेस्ट चार्ज होगा, पक्का फिक्स्ड अमाउंट इज विड्रॉन, ठीक है जी, अब कैलकुलेशन दिखा रहा हूँ इसकी, इसकी कैलकुलेशन 9.5, तो अभी क्या है, मंथ्स अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त सितंबर, बिगनिंग मंथ्स रिमेनिंग आफ्टर फर्स्ट ड्रॉइंग, ना लायक, बिजनेस तो पूरे साल किया है, ये तो सिर्फ ड्रॉइंग्स की डेट है, बिजनेस तो पूरे साल किया है, तो पूरे 12 महीने बचे हैं, मंथ्स आफ्टर लास्ट ड्रॉइंग, करेक्ट, तो 18/1 है ना, फर्स्ट है तो ये सितंबर भी फर्स्ट है, समझ आई बात, 1 अप्रैल 1 सितंबर, तो सितंबर भी है और उसके बाद 6 महीने भी हैं, 19/2, 9.5 मंथ्स,
मिडिल ऑफ एवरी मंथ, तो हाफ चला गया ना, तो कितने बचे? इलेवन एंड हाफ, और उधर कितने बचे? सिक्स एंड हाफ, तो 11 6 17, 18/2, तो क्या आया? 9 months. एंड ऑफ एवरी मंथ 30 अप्रैल, तो इसमें कितने बचे? 11, एंड इसके बाद आपके कितने बचे? 6, तो 11 6 17, 17/2, 8 1/2. यस, जितनी बार पैसे विड्रॉ करें अमाउंट उस हिसाब से कैलकुलेट होगा, 6 से मल्टीप्लाई होगा. कोई भी डाउट? सिस्टम ओवरलोड तो नहीं हो रहा? समझ आ रहा है ना बेटा? ठीक है.